दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में दो दिवसीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने देश के जाने माने उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की, साथ ही उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़े कॉरपोरेट घरानों के शीर्ष नेतृत्व से हुई आमने सामने की मुलाकात, उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। डालमिया सीमेंट राज्य में करेगी 500 करोड़ रुपए का निवेश। शनिवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में दी गई जानकारी। निवेशकों को जियाडा 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा भूमि। झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में कही। उन्होंने विश्वास जताया कि नई नीति झारखंड के कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी। टाटा स्टील झारखंड में 114 साल से है, कल ही हम लोगों ने 114 साल कंप्लीट किए हैं 26 अगस्त को, और हम ये कहेंगे कि जो एक प्लांट 1,00,000 टन पे शुरू हुआ था 100 साल से ऊपर पहले, आज वो 10-11 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। सिर्फ स्टील ही नहीं, हमारी माइनिंग ऑपरेशंस भी हैं, कोल में भी और आयरन ओर में भी, और हम लोग अभी जो इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव यहाँ पर हुआ है उसमें हम सिर्फ ये कहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा एक प्लान है, सुझाव है। वो लोग चाह रहे हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स आएँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो, और पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी पर दिया जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा इकोसिस्टम। तो ये जो पॉलिसी आज जो प्रेजेंट हुआ वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर था, तो उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स ऑफर किया है और वो अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन अभी देश में अर्ली स्टेजेस में है, क्योंकि डिमांड भी अभी उतना नहीं हुआ है, तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अच्छा है कि झारखंड स्टेट भी इस पर एक अच्छा पॉलिसी सोचा है एंड दे हैव ड्राफ्टेड इट व्हिच इज वेरी गुड। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर कहा कि काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के वाहन है, इस सेक्टर में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एयरपोर्ट और रोड जो पहले बहुत LS-33 का रोड था, अभी रोड की स्थिति यह है कि हम पौने दो घंटा में एयरपोर्ट रांची उतरी और रांची से सीधा हम जमशेदपुर पहुंच सकते हैं, या झारखंड में रांची में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप प्लांट लगाइए। सरकार जब आपको सहयोग दे रही है, ब्यूरोक्रेट पूरा सहयोग दे रही है, तो बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के दायरे, इस क्षेत्र के लिए राज्य के दृष्टिकोण और इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, NTPC, सेल, गेल और वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया। इस दौरान स्टील, ऑटोमोबाइल, ई व्हीकल, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश के लिए चर्चा की गई। B2G बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने राज्य में 500 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति जताई है। उम्मीद है झारखंड की नई औद्योगिक नीति राज्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलेगी। न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह की रिपोर्ट। इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है, आज लॉन्च होगा नई औद्योगिक एवं निवेश नीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योग नीति की लॉन्चिंग करेंगे, निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की देंगे जानकारी। राज्य में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। डालमिया भारत सीमेंट करेगा 500 करोड़ का निवेश। कुछ कंपनियों के साथ आज MOU होने की पूरी संभावना है। इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है।